नगर परिषद बैराड़ को साफ और स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया। खबर शिवपुरी जिले के बैराड़ से निकलकर सामने आ रही है, जहां आज बैराड़ नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती मालती लक्ष्मण सिंह रावत की अगुवाई में न्यू बस स्टैंड का हो रहा नवीनीकरण। बस स्टैंड पर चलाया गया सफाई अभियान। नगर के वार्ड क्रमांक 13 के वार्ड पार्षद सोनू राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि बैराड़ नगर के बस स्टैंड को एक बड़े पैमाने पर नवीनीकरण किया जाएगा, जिसमें जो सड़क किनारे खड़े हाथ ठेले वाले दुकानदार और बड़े दुकानदारों के लिए भी दुकानों का चारों ओर से निर्माण कराया जाएगा। और बैराड़ नगर परिषद के न्यू बस स्टैंड को आपने पहले देखा होगा और अब देखिए कितना साफ और स्वच्छ निर्माण कार्य करा दिया गया है। आगे भी इसी तरह कार्य करते रहेंगे। नगर परिषद बैराड़ को साफ और स्वच्छ बनाने के संकल्प के साथ नगर परिषद अध्यक्ष मालती लक्ष्मण सिंह रावत सिंह के निर्देश पर सीएमओ महेश चंद जाटव, इंजीनियर अनिल वर्मा एवं श्रीमती सिमरन सोनू राठौर सहित नगर परिषद के समस्त सफाई कर्मियों द्वारा नगर में विभिन्न स्थानों पर सफाई अभियान चलाया और चलाते रहेंगे और बैराड़ नगर परिषद को एक साफ और स्वच्छ नगर परिषद बनाकर देंगे। नगर परिषद अध्यक्ष मालती लक्ष्मण सिंह रावत और हम सभी वार्ड पार्षद एवं नगर परिषद के कर्मचारियों ने संकल्प लिया है। बैराड़ से संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। क्षेत्र में जो पहले जो गंदगी थी और जो साफ सफाई करके इसको स्वच्छ किया गया है और इसके नवीनीकरण के विषय में आप क्या कहना चाह रहे हैं? इसमें ऐसा है कि पिछले जब से नगर परिषद अध्यक्ष जो हमारे बनी हुई है, तब से लगातार ही दलाले से और बैराड़ में पिछले 8 महीने में लगभग 10 करोड़ के काम हो चुके हैं। इसके बाद में अब बस स्टैंड का नंबर है और बस स्टैंड में जितनी गंदगी आपको पहले दिखती थी उसमें अगर आप अपना कैमरा घुमा के देखें तो अभी आपको बिल्कुल साफ सफाई दिखेगी और उसके बाद में तुरंत लगभग सर्दियों में दीपावली के जैसे जस्ट बाद में या जैसी सर्दी आएंगी जिसमें क्या काम अच्छा होगा और सीसी का काम एकदम अच्छा काम कराने के लिए सर्दियों की हमें आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से इसमें कॉम्प्लेक्स बनेगा, एक सार्वजनिक शौचालय बनेगा और एक अच्छा सा बस स्टैंड के में अंदर बैठने के लिए व्यवस्था होगी, पानी की व्यवस्था होगी, इसमें सारे जिसमें हमारा बस स्टैंड बाहर जितनी भी बसें खड़ी होती हैं और बाहर जितने भी ठेले वाले खड़े होते हैं सब बस स्टैंड में आएंगे, उनको रोजगार बढ़ेगा।